क्लासेस आर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हैव हैज और विल हैव के साथ में टू का यूज करेंगे। जब हैव हैज और विल हैव के साथ में टू का यूज करते हैं तो वो मॉडल की तरह बिहेव करने लगता है। जब हैव और हैज के साथ में टू का यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट में यूज होता है, और हैड के साथ में टू का यूज करते हैं तो पास्ट में यूज होता है, विल हैव के साथ में टू का यूज करता है तो फ्यूचर में यूज हो जाए। तो इसका यूज देख लेते हैं। जैसे कि अब मुझे बोलना है मुझे बालाघाट जाना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई हैव टू गो टू बालाघाट। कैसे बोलेंगे? आई हैव टू गो टू बालाघाट। ठीक है, मुझे बालाघाट जाना पड़ता था, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड टू गो टू बालाघाट। मुझे बालाघाट जाना पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल हैव टू गो टू बालाघाट। ठीक है, उसे फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही हैज टू वर्क इन फैक्ट्री। ठीक है, इसको पास्ट में बोलना है तो ही हैड टू वर्क इन फैक्ट्री, मतलब उसे फैक्ट्री में काम करना पड़ता था, तब क्या बोलेंगे? ही हैड टू वर्क इन फैक्ट्री, उसे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही विल हैव टू वर्क इन फैक्ट्री। ठीक है, ही विल हैव टू वर्क इन फैक्ट्री। ठीक है, इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बोल सकते हैं उसे नल का पानी पीना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे? ही हैज टू या सी हैज टू ड्रिंक टैप वाटर। ठीक है, उसे नल का पानी पीना पड़ता था, तो कैसे बोलेंगे? सी हैड टू ड्रिंक टैप वाटर। ठीक है, उसे नल का पानी पीना पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे? सी विल हैव टू ड्रिंक टैप वाटर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मुझे बोलना है मुझे गाना गाना पड़ता है, तो कैसे बोलूँगा? आई हैव टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, मुझे गाना गाना पड़ता है, मतलब आई हैव टू सिंग ए सॉन्ग। मुझे गाना गाना पड़ता था, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड टू सिंग ए सॉन्ग। और मुझे गाना गाना पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल हैव या आई शैल हैव टू सिंग ए सॉन्ग या आई विल हैव टू सिंग ए सॉन्ग। मुझे शादी अटेंड करनी होगी, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई शैल हैव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। ठीक है, मुझे शादी अटेंड करनी पड़ी थी, इसको कैसे बोलेंगे? आई हैड टू अटेंड ए मैरिज सेरेमनी। और मुझे शादी अटेंड करनी पड़ती है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू अटेंड मैरिज सेरेमनी। ठीक है, होमवर्क में आप लोगों को इसी टाइप के फाइव फाइव सेंटेंस, मतलब फाइव प्रेजेंट के, फाइव पास्ट के और फाइव फ्यूचर के बना के मेरे को बताने हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।